हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भूमिका वर्मा फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय। इन लास्ट वीडियो वी हैड सीन व्हाट इक्वेशन इज। व्हाट इज इक्वेशन? इन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। द इक्वालिटी साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइन, द लेफ्ट हैंड साइड is equal to the expression of to the right of the sign, यानी कि right hand sign। तो equality की sign अगर हम लोग लें तो उसकी LHS and RHS वाली value अगर हम लोग देखें तो ये जो दोनों value हैं वो हम लोगों को same मिलती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं equation। अब equation के कुछ examples हम लोग के पास हैं, तो वो first वाला example है 4x plus 5 is equals to 6x minus 25. 4x plus 5 is equals to 6x minus 25. तो इस तरह से जो है वो हम लोग इक्वेशन, यहाँ पे आप लोग देखे थे इस इक्वेशन के RHS साइड, ये है इक्वेशन की LHS साइड, ये जो है वो इज इक्वल्स टू साइन। अब इज इक्वल्स टू या फिर इक्वालिटी साइन है इसकी RHS एंड LHS, तो ये जो दोनों हैं इक्वल होनी चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। अब आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ इक्वेशंस जो लास्ट स्टैंडर्ड में आप लोग देख चुके हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये जो हम लोगों के पास दिए गए हैं उसको हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स एंड 11 इज 32। सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स, यानी कि एक्स को हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। सो 3 इंटू एक्स, सम ऑफ यानी कि दो नंबर्स का सम होगा, तो एक जो है वो हम लोगों को मिल गई 3x एंड दूसरी जो है वो है 11। सो 3x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 32। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 3x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 32। तो ये जो है इस तरह से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं जो स्टेटमेंट दिए हैं उनके ऊपर से। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का, If you subtract 5 from 6 times a number, you get 7. If you subtract from a 6 times a number, तो वो जो number है उसको हम लोग assume कर लेते हैं x. So assume that number is equals to x. अब if you subtract 5 from 6 times x, so 6 times that number यानी कि ये number, so 6 times नंबर, सो 6x माइनस सब्ट्रैक्ट यानी माइनस सब्ट्रैक्ट 5। यहाँ पे आप लोगों के पास या तो फिर डिफरेंस वर्ड होगा या तो फिर सब्ट्रैक्ट वर्ड होगा, तो दोनों का जो मीनिंग है वो होता है सब्ट्रैक्ट करना या तो फिर उसमें से उन दोनों का डिफरेंस लेना, तो वो जो है वो दोनों सेम वर्ड है, यानी कि एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं। If you subtract 5 from 6 times x, 6 times x में से हम लोगों ने 5 जो है वो subtract किया, a number you get 7, तो उसका जो परिणाम आता है, उसका जो result आता है वो है 7, यानी कि आप लोगों को मिलता है 7। उसी तरह से हम लोगों के पास third question है, 1/4 of m is 3 more than 7, तो यहाँ पे अगेन आप लोगों के पास जो एक्सप्लेनेशन बुक में दिया गया है वो देखते हैं। 1/4 ऑफ m, m का 1/4 पार्ट, तो वो होता है m by 4, इट इज ग्रेटर देन 7 by 3, तो वो जो है वो क्या होता है कि 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, तो वो जो है m by 4th का पार्ट, तो वो पार्ट जो है वो ज्यादा होता है 7 से, 7 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं 7 का, तो हम लोग को जो आंसर मिलता है वो मिलता है 3,
यानी कि जो m बाय फोर है उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 7, तो हम लोगों को आंसर जो है वो मिलता है 3. द इक्वेशन इज m बाय फोर माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3. तो जो इक्वेशन है उसमें हम लोग अगर देखें तो m बाय फोर में से हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को आंसर जो है वो मिलता है 3. अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8. 1/3 ऑफ अ नंबर, एक नंबर अगर हम लोग ले लें और उस नंबर में से उस नंबर का 1/3 अगर लें और 1/3 में हम लोग 5 जो है वो प्लस करें यानी कि ऐड करें, तो हम लोग को जो आंसर है वो मिलता है 8. तो अगेन इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं. तो उसमें क्या कहा गया है, टेक अ नंबर टू बी n. आप लोग n ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो भी स्मॉल अल्फाबेटिक हैं उसमें से. अब स्मॉल अल्फाबेट्स में से कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग इसको अज्यूम करते हैं m. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया, इसके आगे वाले जो एग्जाम्पल थे उसमें हम लोगों ने अज्यूम किया था x, स्मॉल x. उसी तरह से यहाँ पे भी आप लोग कोई भी नंबर जो है वो अज्यूम कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया है n. टेक द नंबर टू बी n. नाउ 1/3 ऑफ n इज n बाय 3. 1/3 ऑफ n यानी कि n का 1/3 पार्ट, तो वो होता है n बाय 3. दिस 1/3 प्लस 5 इज, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 1/3 है उसमें हम लोगों को 5 ऐड करना है. सो 1/3 प्लस 5, n बाय 3 प्लस 5, इट इज 8. तो वो जो आंसर हम लोगों को मिलता है वो होता है 8. यानी कि n बाय 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8. तो ये जो है हम लोगों को इक्वेशन मिल रहा है. अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो देखते हैं. तो उसमें अगेन क्या कहा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को आप लोगों को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मैं आप लोगों को अगेन एग्जांपल जो है वो दिखा रही हूँ जो हम लोगों की टेक्स्ट बुक में है. फर्स्ट, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9. x में से हम लोग 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को आंसर जो है वो मिल रहा है 9. अब उसको अगर हम लोग फॉर्म में लिखें, स्टेटमेंट फॉर्म में, तो हम लोगों को क्या मिलता है, तो टेक अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9, या तो फिर टेक डिफरेंस ऑफ x एंड 5 वी गेट 9. तो ये जो है दोनों डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट जो है वो आप लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट वाला, 5p इज इक्वल्स टू 20. तो उसका अगर हम लोग स्टेटमेंट लिखे तो वो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं. सो 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20. 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20. तो ये जो है वो हम लोगों का स्टेटमेंट फॉर्म हो गए. नेक्स्ट, 3n प्लस 7 इज इक्वल्स टू 1. यानी कि n जो है उसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें हम लोग ऐड करते हैं 7, तो हम लोगों को आंसर जो है वो मिलता है 1. सो ऐड 7 टू 3 टाइम्स n टू गेट 1. 7 में हम लोग जो है वो 3 टाइम्स n जो है उसमें हम लोग 7 जो है वो ऐड करते हैं, तो हम लोगों को आंसर जो है वो मिलता है 1. नेक्स्ट है, m बाय 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6. तो m बाय 5 यानी कि 1/5, m बाय 5 यानी कि 1/5 ऑफ m. 1/5 ऑफ m उसमें से हम लोग जो है वो 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को आंसर मिलता है 6. अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर m यू गेट 6, और यू गेट 6 व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर m. तो ये जो है हम लोग इस तरह से एग्जांपल का जो स्टेटमेंट से
इक्वेशन एंड इक्वेशन पे से स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किस क्यों, क्योंकि आप लोगों को जो अंडरस्टैंड करना है, जो वर्ड्स हम लोगों को दिए गए हैं, सबट्रैक्ट करना, फिर थ्री टाइम्स फाइव टाइम्स तो मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर एड फाइव एक्स यानी कि फाइव टाइम्स एक्स में आप लोगों को ऐड करना है, तो वो जो है वो सारे स्टेटमेंट का फॉर्म जो है वो हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है। अगेन आप लोगों के पास ये जो है टेकिंग अवे फाइव फ्रॉम एक्स गिव्स नाइन, तो उसका दूसरी टाइप से हम लोगों को लिख के दिया गया है द नंबर एक्स इज फाइव मोर देन नाइन, नंबर एक्स इज फाइव मोर देन नाइन, तो ये जो है दूसरा स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। एक ही इक्वेशन में से हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। अब बाकी के जो एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल थ्री फोर, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोगों को जो एक्सरसाइज है 4.1 उसमें क्वेश्चन नंबर फोर जो है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो आप लोगों को ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें इक्वेशन लिखना है, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। अगेन राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म, तो ये जो इक्वेशन फॉर्म है उसको आप लोगों को स्टेटमेंट में लिखना है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आज के वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। थैंक यू।